हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिटी चैनल। इस सिटी चैनल पे सीएनसी मिलिंग एंड टर्निंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है। तो आज आपको बताऊंगा मैं एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल के बारे में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट इसे G90 से डिनोट किया जाता है। लिखा द डेस्टिनेशन ऑफ मूवमेंट इज एसिफाइड विथ द कोऑर्डिनेट वैल्यू रिगार्डलेस द करेंट पोजिशन, यानी 0 से 10, फिर 0 से 20, 0 से 60, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 60। तो देखिए x के लिए G90, x 60, y 10, यानी x में 60 जा रहा है। और देखिए यहाँ 0 से y 10 प्लस में गया है, यहाँ 60 तक गया। उसके बाद है इधर, देखिए इधर है एक्स एक्स 10 है और वाई 60 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये इंक्रीमेंटल G91 से इसे डिनोट किया जाता है। तो लिखा है द मूवमेंट ऑफ एसिफाइड वाई द डायरेक्शन एंड द इंक्रीमेंटल वैल्यू टू द डेस्टिनेशन प्रिफरिंग द करेंट पोजिशन, यानी इसका मतलब है 0 से 10, फिर अब ये 0 पर नहीं आएगा, फिर यहाँ से 10 से 60 जाएगा। तो इसमें देखिए G91 x 50, इसे समझ में क्या आ रहा है कि x 50 जा रहा है। तो यानी हमारे यहाँ से यहाँ मशीन चल चुका है, यहाँ से यहाँ मशीन चल चुका है, तो इसलिए यहाँ से रीड कर रहा है, 10 से रीड कर रहा है 60 तक। तो इसके बीच में तो 50 ही होगा। फिर इसी तरह यहाँ देखिए G91 y 50, यानी यहाँ से यहाँ मशीन रीड हो चुका है, ये हमारा 0 0 है। अब यहाँ से इसे 50 जाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में समझते हैं अच्छे से। देखिए एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल मेथड, ये एब्सोल्यूट है इसे G90, ये G91 इंक्रीमेंटल। इसमें देखिए, इसमें देखिए G0, यहाँ देखिए आप हर एक बार जो भी ये ड्रिल का होल है, ये हर एक बार मशीन 0 से यहाँ इस कोऑर्डिनेट पे गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया एक्स में, फिर वाई में। देखिए हर एक बार मशीन 0 आ रहा है तब जा रहा है। यही इंक्रीमेंटल में देखिए कि ये हमारा ड्रिल 3 करने के लिए, ये एक पोजिशन यहाँ से गया, फिर अभी यहाँ नहीं आ रहा है, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यानी यहीं से ये कैलकुलेट हो रहा है। ये 10 है, 20 है, 30 है, तो यहाँ 30 जाने के लिए 10 ही काउंट करेगा, जितना चल गया उसके आगे ही काउंट करेगा। ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये इंक्रीमेंटल 91 होता है, ये 90 होता है। तो ये हमारा यहाँ पोजिशन 0 0 है दोनों में। तो देखिए ये एक स्टेप बढ़ने के बाद ये स्टेप फिर इसमें ऐड हो जाता है, तो उसको हम लिखते नहीं। अगर यहाँ से 10 है तो फिर, अगर यहाँ से हमें यहाँ जाना फिर 10 ही डालेंगे। अगर ये 20 है तो यहाँ, अगर 30 है तो यहाँ फिर 10 डालेंगे। तो ये हमारा ऑटोमेटिक काउंट होता रहता है G90 91 में। तो चलिए एक इस पर प्रोग्राम देखते हैं। देखिए ये एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्राम, तो ये y प्लस x प्लस y माइनस x माइनस, ये G91 के लिए स्पेशलिस्ट बना रखे हैं। इसमें देखिए ये ऑफ है, ये डाउन है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये हमारा जो भी फॉलो होगा ये हमारा G91 में ही होगा, ठीक है। तो पहले एब्सोल्यूट देखते हैं। एब्सोल्यूट के मैं ये एक रेड लाइन है, ये मशीनिंग पाथ है, इसको मैंने डिनोट किया। तो अब देखिए इसको कैसे हो रहा है। तो ये हमारा G01, ये हमारा प्रोग्राम नंबर है G54X10Y20। इसमें हो क्या रहा है कि एब्सोल्यूट G90, यानी हमारा अभी होम पोजीशन यहाँ है X0 और Y0। देखिए X10 और Y20 से हमारा मशीनिंग स्टार्ट हो रहा है G01Z1 के डेप्थ में। अब देखिए स्पिंडल स्पीड 1000 M03 क्लॉक वाइज होंगी। अब देखिए Y50, मशीन हमारी रीड यहाँ से पूछ रही है, इस पोजीशन से कर रही है 10 20 30 40 50, यहाँ पहुँच गई, यहाँ से Y50 पहुँचा। फिर वहाँ से अब देखिए X 20, यानी यहाँ से 20 ये रहा, और Y 30 10 20 30, यानी यहाँ पहुँच गई मशीन। उसके बाद है Y 10, यानी
फिर हमारा यहाँ से वाई 10, यानी मशीन हमारा सीधे यहाँ आ गई, एक्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो वाई यहाँ आ गई। अब देखिए एक्स 50, एक्स 50 यहाँ से यहाँ आ रहा, और वाई 40, वाई 40 10 20 30 40, यानी यहाँ हमारा मशीनिंग पूरा करके यहाँ पहुँच रहा है। अब यहाँ इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल में देखें ओ 0002, यहाँ देखिए G90, G54, एक्स 10 और वाई 20, एक्स 10 वाई 20, ये तो हमारा एब्सोल्यूट में G01। अब यहाँ डेप्थ दे दिए 0.1 के। अब देखिए S1000 M03, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमारा स्पिंडल स्पीड RPM पकड़ लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि G91 वाई 30.0, यानी ये हमारा हो क्या रहा है कि वाई 30 जाएगा। अब यहाँ से हमारा 30 जाएगा, 10 20 30, मशीन यहाँ पहुँच गई। अब देखिए एक्स 20 और वाई -20, यहाँ अब जब इसको ला कर रखिएगा ना इसको, तो एक्स में तो हमारा इधर प्लस है, अब वाई में माइनस है, तो यहाँ आने के लिए देखिए 10 20, वाई 20 और एक्स 20, 10 20, ठीक है, तो यहाँ मशीन पहुँच गई। अब देखिए अब क्या हो रहा है, वाई 20, अब यहाँ से मशीन 20 और माइनस में आ रहा है, तो 10 20 मशीन यहाँ पहुँची। फिर देखिए एक्स, अभी इसको इसको ला कर यहाँ अगर रख रहे हैं तो एक्स 30, तो एक्स 30 कहाँ से काउंट कर रहा है, 10 20 30 यहाँ हो गया, और वाई 30, वाई 30 10 20 30, यानी मशीन हमारी यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये हमारा एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल के। एब्सोल्यूट में कोई भी कोऑर्डिनेट कुछ भी डालिएगा इसमें, तो हमारी जीरो से ही चलेगा, जीरो से ही जो भी चलेगा। अगर जीरो इसके लिए, तो अगर इसके नीचे आ रहे हैं तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, अगर एक्स में इधर जा रहे हैं तो माइनस, अगर इस व्यू में बन रहा है तो हमारा सारी सारी पॉजिटिव रहेगा। अगर ये इंक्रीमेंटल है तो ये जहाँ भी जाएगा, जहाँ एक पॉइंट पकड़ेगा वहाँ से अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वहाँ से ये मेथड लग जाएगा, वहाँ से एक्स किधर जा रहा है वाई किधर जा रहा है तो प्लस माइनस वहाँ से चेंज होने लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें हमने फीड नहीं डाल रखा, इसमें खाली मैं एक पाथ बना रखा है कि किस तरह चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वीडियो, तो मशीन पे देखेंगे कि ये कैसे चल रहा था, उसमें फीड डाल देंगे और आपको दिखाएंगे कि हाँ हमारा ये प्रोग्राम ऐसे मशीन पे रीड कर रहा है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।